नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों हो जाइए बेहद सावधान, क्योंकि आने वाले अगले चार दिनों में आने की दिनांक 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के समय अंतराल में आपके साथ बहुत बड़ी साजिश होने वाली है, अर्थात आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। दोस्तों आपका कोई अपना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डालने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आप लोगों को अगले चार दिन बहुत ही ज़्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा, वरना आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों खास तौर पर ऐसे में आप लोगों को उन लोगों से बेहद ही सावधान रहना होगा जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह इंसान कोई भी हो सकता है आपको नीचे गिराने के लिए। दोस्तों आप जिसके ऊपर भरोसा और विश्वास करते हैं, दोस्तों वही इंसान आपकी इस भरोसा और विश्वास को फ़ायदा उठा कर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा सावधान और बेहद ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जिसको अपनी ज़िंदगी प्यारी है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि दोस्तों अगले चार दिनों में आपको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, आप लोगों को ऐसे में किन चीज़ों से बचना होगा, तो किन चीज़ों से बेहद ही ज़्यादा सतर्क और सावधान भी रहना होगा। दोस्तों ऐसे में आप कौन से कार्यों को करने से बचना होगा और किन गलतियों को करने से ऐसे में आपको बचना होगा, और दोस्तों ऐसे में आप लोगों को कौन कौन से क्षेत्रों में और क्या क्या धन की प्राप्ति भी होने वाली है, और दोस्तों ऐसे माता रानी की कृपा से आप लोगों को क्या क्या खुशियाँ भी मिलने वाली है और क्या क्या बड़ी शुभ संदेश की प्राप्ति भी होने वाली है। दोस्तों समस्त जानकारियाँ आप लोगों को पूरी विस्तारपूर्वक से हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो का निर्माण ग्रहों की पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी भक्तों के लिए निर्मित किया गया है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले केवल माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक प्रदान जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बने रहेगी और आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां और तमाम तरह की दुख तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी दोस्तों, दोस्तों चलिए बात करते हैं, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आने वाले अगले चार दिनों का समय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय साबित होने वाला है। दोस्तों यह समय आप लोगों को खास तौर पर अपने विरोधियों और शत्रुओं से बेहद ही ज़्यादा सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा मुसीबत में डाल सकते हैं। और दोस्तों यह समय आप लोगों को उन लोगों से बेहद ही ज़्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा जिसके ऊपर आप अत्यधिक विश्वास और भरोसा करते थे। दोस्त ऐसे में आपको कोई भी नीचे गिराने की साजिश कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ी मुसीबत में ऐसे में ढकेल सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा और ऐसे में कोई ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा जिनसे कि आपको अपने जीवन काल में किसी प्रकार की मुसीबतों से लड़ना पड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से आपको जूझना पड़े। दोस्तों खास तौर पर इस बात को ऐसे में आप लोग अपने जीवन काल में जरूर ध्यान में रखिएगा। और दोस्त ऐसे में माता रानी की कृपा से आप लोगों को कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सफलताएं भी हाथ लग सकती है। दोस्तों आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपके सालों से अटके पड़े हुए थे या फिर आपका जो कार्य हमेशा बनते बनते बिगड़ जाते थे, दोस्तों अब वैसा आपके साथ नहीं होने वाला है। दोस्तों अब आपके जीवन में कुछ अनोखा परिवर्तन और बदलाव भी होने वाला है। जी दोस्तों, और दोस्तों यश में माता रानी की कृपा से आप लोगों को करियर के क्षेत्र में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सफलताएँ हाथ लग सकती है।
और दोस्त यश में आपको नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्त यश माता रानी की कृपा से आपको कोई बड़े खुशखबरी भी मिल सकती है। दोस्त यश में कुसंगति से आपको बचना होगा और अपना रुख नरम रखें और अनावश्यक नोकझोंक से बचें। दोस्त यश में आप मनोरंजन के लिए वक्त निकालेंगे और पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल यश में बना रहेगा। दोस्त यश में भाइयों का सहयोग मिले और वाहन और मशीनरी के प्रयोग में यश में आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपके साथ कुछ भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। और दोस्तों यश में आप अपनी वाणी पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके मुख से यश में कुछ भी अपशब्द निकल सकते हैं। और दोस्तों यश में प्रयास अधिक करने पड़ेंगे और आपकी सकारात्मक सोच बहुत काम आ सकती है। और दोस्तों यश में किसी से दोस्ती करने से पहले एक बार जरूर सोचें। और यश में प्रयासरत क्षेत्रों में कुछ अड़चनों का आभास भी आपको होगा। दोस्तों यश में निकट संबंधी में शंकाओं को हावी ना होने दें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और दोस्त यश में किसी भी लाभदायक योजना से जुड़ने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के आय के अतिरिक्त स्रोत यश में बनेंगे, जिसकी मदद से आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। यदि आप अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो किसी मित्र की मदद से आपको कोई बेहतर अवसर यश में मिल सकते हैं। दोस्तों हालांकि बदलाव का फैसला खूब सोच समझ कर उठाएं तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। और दोस्त यश में के मध्य में इष्ट मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा और युवाओं और महिलाओं के लिए यश में बेहद ही अनुकूल साबित होने वाला है। दोस्तों इस दौरान अचानक से मित्रों या फिर परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम भी बन सकता है। दोस्तों यश में थोक व्यापारियों के मुकाबले फुटकर व्यापारियों को लाभ होगा और यश में के उत्तरार्ध में किसी भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता करने को मिलेंगे और अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए छोटी मोटी बातों को दिल पर लगाने से बचें और कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर यश में ना लें। खासतौर पर दूसरों के बहकाव में आकर तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ी चोट लग सकती है। दोस्तों ऐसा चोट आपको लेगा कि आप जिंदगी भर पछताते रहोगे। जी दोस्तों और यश में दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और लाइफ पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के कई मौके आपको मिलेंगे। और दोस्तों माता पिता का जीवन में पूरा सहयोग और स्नेह हमेशा आप लोगों को मिलता रहेगा। और दोस्तों यश में आप लोगों को बेफालतू के झगड़े में और बहसबाजी में ना पड़े तो आपके लिए बेहतर होंगे। और यश में आप कुछ ऐसा कार्य बिल्कुल ही ना करें जिनसे कि आपको किसी प्रकार की परेशानियां हो। दोस्तों भले यश में आपके शत्रु आपको उकसा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा और सावधान रहना होगा कि आपके शत्रु आपको कुछ बड़ी मुसीबत में डालने का प्रयास कर सकते हैं। और दोस्त यश में वाहन बेहद ही सावधानी के साथ चलें वरना चोट चपेट लगने की आशंकाएं भी बन सकती है। और यश में रोड क्रॉस करते समय आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा सावधानी के साथ करना पड़ेगा, अन्यथा आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और यश में आर्थिक योजनाओं में थोड़े से विघ्न आएंगे, लेकिन बाद में सारे काम आसानी से बन जाएंगे और ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार में आनंद का वातावरण यश में बना रहेगा।